स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं 2021 के एडमिशन्स की। देखिए, लाइफ इस समय कोरोना की वजह से बिल्कुल स्टैगर्ड हो गई है, स्टैगनेंट हो गई है, और हमें इस समय रिसर्च में आगे बढ़ते रहना है। तो जो भी PhD के फॉर्म्स आए हैं, आप उनको ज़रूर भरिए। हो सकता है कि नेट के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो जाएँ, बिल्कुल आसार हैं इसके, लेकिन हम फॉर्म भरते रहें क्योंकि एट लास्ट हमें रिसर्च करनी ही है। तो 2021 के एडमिशन्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईसर भोपाल की। देखिए, सिर्फ फिज़िक्स का ही यहाँ पर बचा है 7/5/2021, और आप जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। आईसर मोहाली की बात करें तो 30 तारीख है लास्ट डेट, जल्द से जल्द से भर दीजिए। आईसर पुणे में भी 30 तारीख है, लेकिन अर्थ और जो क्लाइमेट साइंस है उसी के लिए यहाँ पे सीट है। एक बात मैं आपको बता दूँ, जितने भी आईसर इंस्टीट्यूट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, और यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगी अगर आपका गेट या नेट या CSIR नेट या किसी भी टाइप का नेट क्वालिफाइड है। तो जल्दी से इसे देख लीजिएगा। दूसरी बात, ACSIR का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। CSIR जो कि है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये सबसे प्रोमिनेंट और एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। 1942 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर काम करती है। शेखर सी मांडे जी इसके समय डायरेक्टर जनरल हैं। देखिए, इनके बहुत सारी लैब्स हैं, लगभग आप कह सकते हैं 40 से 45 लैब्स हैं। आउटरीच सेंटर्स भी हैं इनके 40-50, और 4-5 इनके इनोवेशन सेंटर्स भी हैं। तो अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि JRF आपका होना ज़रूरी है। उसके बाद बहुत से CSIR लैब्स अपना एक रिटन टेस्ट और फिर अपना एक इंटरव्यू भी करवाती हैं, लेकिन हो सकता है कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो, या फिर अगर हो तो सिर्फ ऑनलाइन ही इंटरव्यू या टेस्ट कैरी ऑन हो। तो अलग अलग फील्ड हैं CSIR, आप जानते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस के 11 इंस्टीट्यूट हैं, केमिकल साइंस के 9 हैं, इंजीनियरिंग साइंसेस के 10 हैं, इंफॉर्मेशन साइंस के 2, फिजिकल साइंसेस के 5। तो ऐसे इनके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप मल्टीडिसिप्लिनरी हैं तो भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। IIT मंडी विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो हैविंग इट लास्ट डेट एट 5/5/2021। IIT भिलई जो कि छत्तीसगढ़ में है, नया IIT है। मंडी भी लगभग लगभग आप कह सकते हैं नया है, तो अभी इनकी रैंकिंग लो है, बट ऑल टुगेदर दे आर IIT, सो एडमिशन लेना बिल्कुल अच्छा रहेगा यहाँ पर। IIT धनबाद तो आप जानते ही हैं, झारखंड ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इसको एक तौर पे मंदिर के तौर पर देखते हैं, बहुत अच्छी जगह है। फिर IIT रुड़की, ये तो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा, इसकी भी लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई है, इसको ध्यान में लीजिएगा। रुड़की में वाटर से रिलेटेड बहुत अच्छा काम होता है, तो जिनको भी वाटर से रिलेटेड, वाटर इंजीनियरिंग या बाकी जगहों पे काम करना है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नाइसर की बात करें तो नाइसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करता है। तो अगर आपको एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड काम करना है देन इट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो थोड़ी बहुत डिटेल भी हम जान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हर जगह आपको फॉर्म भरना है। काशी विद्यापीठ की बात करें तो ये वाराणसी का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इसका पूरा नाम है, और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग ये 1921 आज़ादी के लगभग लगभग पहले ही इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसकी भी डेट है 3 तारीख है 5 तक। खड़गपुर तो वेस्ट बंगाल में है, बहुत अच्छी IITओं में से एक है, इसको आपको मिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी लास्ट डेट आज ही है। तो आप देख सकते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट की लास्ट डेट 20 है, यानी कि जब आज मैं ये रिकॉर्ड शूट कर रहा हूँ तब। IIT बॉम्बे तो देखिए, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में अगर कोई आए ना आए, लेकिन IIT बॉम्बे का आना तय है। फैकल्टी के लिए देखें, ग्रांट्स के लिए देखें, फंडिंग के लिए देखें तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें एडमिशन होना बहुत ही मुश्किल से होता है, अगर आप में बहुत ही टैलेंट होगा तभी। IIT दिल्ली, इस समय दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया है और दिल्ली में स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन IIT दिल्ली की बात करें तो IIT ही है, इससे अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट भारत में आपको नहीं मिलेगा। IIT पटना देखिए नया IIT है, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे अच्छे
इसमें फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। आईआईटी हैदराबाद, देखिए जितने भी मैं आपको आईसर बता रहा हूँ या आईआईटी बता रहा हूँ, उनमें कम से कम नेट एलएस तो आपके पास होना चाहिए या गेट उसकी वैलिडिटी के अंतर्गत होना चाहिए। नेट एलएस की तो वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन गेट की वैलिडिटी होती है और उसके अंतर्गत, और जिनका जेआरएफ है दे हैव नथिंग टू वरी, वो तो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं और उनका पलड़ा बिल्कुल भारी भी होगा। यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें भी आप भर सकते हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। आईआईटी के बाद अगर हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम लेते हैं तो वो आता है एनआईटी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए इंजीनियरिंग के ज़्यादा आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे एनआईटी हो चाहे आईआईटी हो, तो देख सुन के ही भरिएगा। और बाकी ये जो एनआईटी मेघालय है, तो अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पर। देखिए बहुत अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में आपको काम करना है, टिश्यू इंजीनियरिंग, टिश्यू बैंकिंग, तो इन सब के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे फील्ड टॉपिक्स मिलेंगे आपको। ये पुणे में है, महाराष्ट्र में है, और ये अभी जल्द ही हाल फिलहाल में ही 1990 के अराउंड ये एस्टेब्लिश हुआ था। फिर आते हैं GBPUAT, ये है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, देहरादून उत्तराखंड में है ये, और अच्छा इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड का। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी यहाँ पर आपको सीट्स मिल जाएंगी। लास्ट में हम आते हैं, मैं आता हूँ अपने गृह निवास यानी लखनऊ के, लखनऊ यूनिवर्सिटी पे, और आप यहाँ पे सीट्स देख लीजिए। हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से डेट्स आगे बढ़ जाएं, लेकिन अभी मैंने जो आपको दिखाया है उनमें आज 20 तारीख की बहुत सी लास्ट डेट के फॉर्म्स हैं, तो आप जल्द करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और जल्दी जल्दी इन फॉर्म को भरिए और अपने रिसर्च करियर को शुरुआत करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।